नमस्कार, पीयू पल्स के इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हॉस्टल्स की। यूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड करवाती है, परंतु इस सुविधा को पाने के लिए स्टूडेंट्स को जो असुविधा होती थी, अब यूनिवर्सिटी इसका समाधान करने का निर्णय कर चुकी है। 20 जून 2023 को DSW जितेंद्र ग्रोवर, DSW वुमेन, एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर और यूनिवर्सिटी के बाकी आला अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय कर लिया गया है कि इस बार हॉस्टल आवंटन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर सेंटर और संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि यह व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है। इस व्यवस्था के शुरू होने से स्टूडेंट यूनियंस खुश हैं और इसे वह अपनी जीत भी बता रहे हैं, क्योंकि समय समय पर यह स्टूडेंट यूनियंस इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाते रहे थे और बार बार धरना प्रदर्शन और इसके लिए मेमोरेंडम देना आम बात हो चुकी थी। परंतु अंदर खाने अब स्टूडेंट लीडर्स को डर सताने लगा है कि उनकी पार्टी को नए कार्यकर्ता और वोटर्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लीडर्स हॉस्टल अलॉट कराने के बहाने नए स्टूडेंट्स से संपर्क करते थे। हॉस्टल अलॉटमेंट में गफलेबाजी के इल्ज़ाम लगातार प्रशासन पर लगते रहे हैं। अपने समूह के विद्यार्थियों को हॉस्टल दिलवाने के लिए बड़े बड़े राजनेताओं से यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों को फ़ोन करवाना आम बात थी, परंतु अब जब हॉस्टल आवंटन ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगा तो इनका स्टूडेंट्स के बीच अपनी पहचान बनाने का यह मौका तो गया। इसके अलावा गेस्ट बेसिस पर होने वाली अलॉटमेंट के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में अधिकारियों ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। अभी तक वेबसाइट पर हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अब दिलचस्प होगा यह देखना कि यह व्यवस्था कामयाब हो पाती है या नहीं, विद्यार्थी संगठन अब क्या करेंगे और गेस्ट बेसिस पर अलॉट होने वाले हॉस्टल्स का क्या। खैर, इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले समय में छिपे हैं और पीयू पल्स एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते समय समय पर इन प्रश्नों को उठाता रहेगा। तो आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी के इस पसंदीदा प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप देखते रहें पीयू पल्स।